हेलो इंजीनियर्स उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों मैं आ के मिश्रा इंजीनियर पे स्वागत करता हूं एक बार आप सब लोग आ जाओ फिर उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं बेसिकली आपको भी पता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है तो बहुत सारी जानकारियों के बीच में आप लोगों को कन्फ्यूजन था तो एक संपूर्ण जानकारी का वीडियो लेकर के आ चुका हूँ तो एक बार आप सब लोग आ जाओ आज, आज संडे है आपको भी पता है कि जॉब अपडेट की सीरीज भी चलती है तो आज की जॉब में हमारा दो मेजर जॉब है एच की तरफ से और सेल तो एक बार आप सब लोग बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ एब्सोल्युटली फाइन है तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं देखिए जो आपकी वैकेंसी आई है मैं आपको बता देता हूं और इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं नोटिफिकेशन से संबंधित जैसे आप लोगों का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस प्लांट यूनिट इन द सेल तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे जो वैकेंसी है ओ सी टी टी मतलब ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ये आप लोगों की पोस्ट है राइट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेरे प्यारे बच्चों की इन इन प्लांट में हमारी जरूरत है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन इन प्लांट में हमारी जरूरत है याद रखिएगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और कौन कौन से पोस्ट में है बहुत अच्छी वैकेंसी है नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी ठीक ठाक है मैं आपको बता दू नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बहुत अच्छी है ठीक ठाक है आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा तो देखो मेटोलॉर्जी में आप लोगों को अलग अलग प्लांट में देखो बहुत ठीक ठाक वैकेंसी आपको देख रही है इलेक्टिकल में भी देखो ओसी टीटी इलेक्टिकल में भी आप लोगों को दो सत्रह पंद्रह एक तेरह आठ आठ ये फिर मैकेनिकल में आप लोगों को बहुत जबरदस्त वैकेंसी दिख रही है बेटा मैकेनिकल में तो ये आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी वैकेंसी आप लोगों को दिख रही है ये क्या है ना अलग अलग प्लांट की कोड है तो आप लोग यहाँ पे देखने को मिल सकता है तो अब इंस्टीट्यूशन में भी आप लोग देखिएगा बहुत अच्छी वैकेंसी है सिविल में देखो आप लोगों को थोड़ी सी ये वैकेंसी कम है लेकिन ठीक है केमिकल में आप लोगों को इतनी वैकेंसी है सिरेमिक में आप लोगों को तो यहाँ पे मोटा मोटा देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी तो हमारी बहुत अच्छी है आप लोगों को पता होगा ये मतलब माइंड भी आप लोग अवेयर होंगे इस चीज तो एक बार आप सब लोग मुझे बता दो सारी चीजें फाइन है ना तो अब सवाल है कि इसमें हमें जानना ये है ना यार एलिजिबिलिटी क्या क्या है सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एलिजिबिलिटी क्या है देखो ओसीटी ट्रेनिंग मेटदर्जी में हमारा 18 साल मिनिमम एज लिमिट है मैक्सिमम हमारा 28 साल है

यहाँ पे तो वही सारी चीजें है सिविल से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल से अच्छा याद रखना ड्राफ्टमैन ड्राफ्टमैन में, में बहुत सारी ब्रांच है। तो अगर आप की बात करें तो ये सारी ब्रांचेस के लोग एलिजिबल है अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे तो सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा एक चीज याद रखना इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड मेंशन में 18, 3, दो हजार नीट नाट टू गई मतलब इस क्लोजिंग डेट के पहले आप लोगों का ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि फाइनल ईयर यार के लोग एलिजिबल है कि नहीं एक्सपीरियंस किस डेट से काउंट होगा एज लिमिट इस पर्टिकुलर डेट के पहले आप सारे रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाए यहां पे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ओ ट्रेनिंग ड्राफ्टमैन मस्ट अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्योंकि इसमें देखो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यार अब इसमें बात देखो यहां पे ये देखो तो सारा चीज तो हो गया सी टी सी एक्सक्लूडिंग लोकेशन बेस्ड अलाउंस मतलब यार अच्छी खासी सैलरी भी मिलने वाली है अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है यहां पे मोड ऑफ सिलेक्शन एलिजिबल कैंडिडेट अच्छा एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के दिमाग में आएगा कि यार

इसमें एक चीज है कि हायर क्वालिफिकेशन भी एलिजिबल नहीं है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास जो mention qualification है, अगर वो नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है याद रखिएगा बहुत कि लिए लिए इसमें mention दिया हुआ है, सबसे ज्यादा चीज के अंग्रेजी में होगा टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस टू में होंगे

वो आपकी प्लांट में होगा स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर फाइनल सिलेक्शन वेटेज ऑफ द मार्क्स विल बी सीबीटी तो स्किल टेस्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन केस आप टाई वो तो सारी चीजें ठीक है अब ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है कैंडिडेट विल बी टू तो स्किल टेस्ट ऑन द प्रोडक्शन कॉल लेटर एडमिट कार्ड ऑन द गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो ये सारी चीजें हैं अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि स्किल टेस्ट में आएगा क्या

छब्बीस तारीख से आवेदन शुरू होगा तारीख तो ये एक बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के करियर में एक अच्छा पड़ाव है आप सब लोग वैकेंसी भी देख सकते हैं यार बहुत अच्छी वैकेंसी है मेटोलॉजी में देखिएगा गजब का अलग अलग यूनिट में वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में दो सत्रह पंद्रह मिला दिया जाता है एक एक यूनिट में मतलब कि बहुत ठीक ठाक वैकेंसी है मैकेनिकल में देखिएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी मैकेनिकल वालों के लिए तो जिन लोगों ने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है ना यार वो लोग तो जरूर अप्लाई करिएगा साथ में ऐसा नहीं कि सिविल में नहीं है इलेक्ट्रिकल में नहीं है बाकी में भी है ये देखो ओ सीटी सिविल में भी आपकी वैकेंसी है तो यहाँ पे एक से ज्यादा रखना ठीक है तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा आपने सारी जानकारी इस वीडियो में आप किया होगा दो चीज इसमें एक चीज है कि सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न करो सिलेबस के लिए मैं आपको बोलूंगा सिलेबस के लिए प्लीज ज्वाइन अड्डा के ऐप पे और मैं आपको बता दूं ये कल को ये ना कोई कहे बेटा सिलेबस क्या है तो यार सिलेबस नॉन टेक का इन्होंने दे दिया नॉन टेक का दे दिया और टेक का आप लोगों को मैं बता देता हूं जो आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच में एस एस जेई के सिलेबस को फॉलो करते हो वही फॉलो करना बट मैकेनिकल के लोग प्रोडक्शन वाले पोर्सन को बहुत स्ट्रांगली यार तैयार करो बाकी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और इसकी और भी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा के पे। तो, अगर आपके पास का नहीं है, तो जल्दी से डाउनलोड कर देना और वहीं पे आप लोगों को मैकेनिकल तो में के सर का ग्रुप एक है कम्युनिटी का उसको फॉलो कर दो आपको पोस्ट कर दूंगा देखो डिग्री कैंडिडेट कैन नॉट बी सेंटर कहा होगा पैन इंडिया की वैकेंसी है इसमें ऐसा नहीं है

और जहां पे हम हमेशा मोस्ट हम नहीं चार्ज करते हैं और आपको घर बैठे पढ़ाते हैं बंद कर दो बेटा क्योंकि आपके खुद माँ बाप का पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा करीब पच्चीस तीस हजार रुपए कोचिंग का चार से पांच हजार रुपया खाने पीने रहने का अराउंड तो लाख रुपए हो जाएगा एक एग्जाम की डिटेल प्रिपरेशन करने में तो मुझे लगता है कि अड्डा वन स्टॉप सब्सक्रिप्शन आपको देता है अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल में जितने भी सारे एग्जामिनेशन होते हैं ये इंक्लूडिंग दिस और मैकेनिकल है तो ये सारे का वन स्टॉप इलेक्ट्रिकल है तो ये सारा यार देखो कृष्णा यार कुछ चीजें हैं डिप्लोमा इज बेटर देन बीटेक तो ये एक सवाल अलग है पर ठीक है यार दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है तो आप लोग अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है ना यू हैव टू मस्ट ज्वाइन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक अच्छा अड्डा में एक ज्वाइन करोगे ना बेटा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप से करना हालांकि वेबसाइट से कर सकते हो गूगल पे सर्च करो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन और फिर यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा इसमें आल कोर्सेस में जाना है कैटेगरी में आप अपनी ब्रांच टिक करना है फिर अपनी ब्रांच को मैकेनिकल करना है तो मैकेनिकल महापैक इस तरह से दिखेगा